हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कौन से लेवल्स पे आप लोग को एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे मंडे पे जो गए जब मूवमेंट आई मैंने आपको डिस्कस करा था कि निफ्टी का वनडे का चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छी एक हैमर बन रही है, जब पे बाइंग जनरेट हो रही है इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो यहाँ पे 19,300 के गए, जब प्रीवियसली अपना सपोर्ट था, ये अभी मार किया है, प्रीवियस डे का लो मार्क कर रहा है, ठीक है। मैंने अभी क्या कर सकता है मार्केट, देखो अच्छी एक, अगर यहाँ पे देखो ये 15 मिनट का चार्ट, अगर डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये बहुत अच्छी एक हैमर बनी है, ठीक है। तो इसका हाई अगर गाइस क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हैमर एक्टिवेट होता है, तो ये जो आपका गाइस यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है बस एक हर्डल है, उसके बाद आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 19,500 एक हर्डल है, तो नो डाउट जब तक गाइस जब 19,500 को क्रॉस नहीं करता आप लोग को गाइस पे एक गाइस पे एग्रेसिवली कॉल नहीं खरीदना है, क्योंकि अपसाइड से अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देखो तो ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद अगर प्रीवियस स्विंग अगर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में ये जो सेलर्स है नो डाउट अपने एग्जिट करेंगे पोजीशन, नो डाउट। और आप लोग को गाइस यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट देखने को 50-50 पॉइंट के बहुत बड़े बड़े टारगेट होते हैं जहाँ पे निफ्टी में, तो अचीव करने को देखने को मिल सकते हैं। तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा सारी चीज डिस्कस करेंगे, और टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे मैं सिर्फ गाइस यहाँ पे आप लोग को जो भी चार्ट अपडेट रहते हैं प्राइस एक्शन वाले वो अपडेट करता हूँ, कॉल एंड पुट इंटेंशन के साथ अपडेट, क्योंकि आप लोगों को डिसीजन आपको ही लेना है। अगर आपका डिसीजन लोगे तो गाइस यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेडर बन पाओगे, यही रहेगा मेरा डिसीजन। और गाइस यहां पे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस यहां पे, और ये वीडियो अगर देखा नहीं गाइस यहां पे ये देख लेना, क्योंकि देखो गाइस यहां पे डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो गाइस यहां पे ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, तो ये वीडियो जाके देखना। आपने ही कमेंट करा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताओ तो सर मुझे इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपके गाइस यहां पे मैं देखो मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरे गए जहाँ पे बेसिक्स ही रहते हैं, बिगनर्स के हेल्प के लिए रहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हो गाइस, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगता है तो गाइस जहाँ पे आप लाइक तो कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो कल के लिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है वो मार्क करके रखना है, सिंपल सी बात है। ऑलरेडी गाइस जहाँ पे 3 पॉइंट्स कनेक्ट कर चुका है मार्केट, अभी ये जो अभी ये वाली जो लेवल निकाली है प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे का हाई क्यों नहीं मार्क करा है, सिंपल सी बात है, ऑलरेडी एक अपसाइड एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ऑलरेडी यहाँ पे एक सेलर्स बैठे हुए, सेलर्स ने गाइस जहाँ पे इन लोग को प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन लोग ने सेल किया है, उन लोग को ये टाइम डीके का भी पैसा मिल रहा, तो नो डाउट यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो वो एग्जिट करना पोजीशन कर चालू कर देंगे। तो नो डाउट 19,480 के ऊपर आप लोग को एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 19,550 के आसपास आप लोग को टारगेट मिल सकता है। तो कैसे ट्रेड प्लान करना है, अगर मार्केट का फ्लैट ओपन होता है तो आप लोग को देखो गाइस यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट है, आप लोग को 19,400 सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है कहीं पे भी और गाइस यहाँ पे टाइम पास करता है और गाइस आप लोग को एक मूवमेंट दिखाता है अपसाइड के लिए, ब्रेकआउट 5 मिनट पे क्या कर सकता है, ये जोन बनाएगा, ऐसे गाइस यहाँ पे टाइम पास करेगा और ब्रेकआउट मिलेगा, तो आप लोग का पहला टारगेट ये हाई रहेगा और गाइस यहाँ पे दूसरा टारगेट 19,400। अगर गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए मार्केट और गाइस यहाँ पे हाई को निकालेगा तो सी मत खरीद लेना, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे इस जोन का। अगर मार्केट इस जोन में आके गाइस टाइम पास कर लेता फिर ब्रेकआउट मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ब्रेकआउट मिलने के बाद थोड़ा सा डिटेस्ट पे एंट्री कर लेना, डायरेक्ट ब्रेकआउट मिलता है तो डिटेस्ट पे एंट्री कर लेना, आपकी एंट्री यहाँ पे रहेगी, आपका एसएल यहाँ पे रहेगा। होप यू गाइज कॉल साइड के लिए आप लोग जहाँ पे सारा चीजें समझ लिया होगा, अगर गाइज जहाँ पे कोई भी डाउट होते तो कमेंट में आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया 19,400 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो आप लोग को प्रीवियस स्विंग का वेट करना पड़ेगा, मार्केट अगर प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है तो गाइज आप लोग को मार्केट में सेलिंग आ सके। देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया और प्रीवियस स्विंग को गाइज जहाँ पे 15 मिनट आप लोग को ब्रेक डाउन दे दिया, तो 5 मिनट पे आप लोग क्या करना है रिटेस्ट पे पकड़ना, आप लोग का पहला टारगेट कहीं ना कहीं ये स्विंग रहेगा और सेकंड टारगेट 19,250 रहेगा, सिंपल सा ट्रेड प्लान रहेगा। अगर कोई भी ट्रेड प्लान अगर चेंजेस रहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अभी भी गाइस यहाँ पे कॉल साइड में पुट साइड में कोई भी सिनेरियो में गाइस यहाँ पे आपको डाउट है तो कमेंट में बताओ, आपके पर्सनल डाउट ऑफ गाइस यहाँ पे व्हाट्सएप पे रिचार्ज हो तो व्हाट्सएप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स है आप लोग चेकआउट कर सकते हो। चलो गाइस यहाँ पे कल के लिए बैंक निफ्टी का 50 मिनट पे क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं सारी चीज डिस्कस करेंगे। देखो निफ्टी में भी सिंपल सी ये नीचे से ट्रेड लाइन आ रही है, बट बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 3 पॉइंट कनेक्ट कर चुका है और गाइस यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे लास्ट 50 मिनट की कैंडल देखो गाइस यहाँ पे 44,000 से सपोर्ट लिया है, तो नो डाउट अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है कहीं पे भी तो आप लोग को यहाँ पे ये जो गाइस आप लोग जोन मार्क कर लेना। देखो अभी मैं ही मार्क कर लेता हूँ सो दैट आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक हो गाइस यहाँ पे 44,000 का यहाँ पे जोन मार्क कर लेना। अगर कल जाके मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस जोन में, कहीं ना कहीं इस जोन में अगर आप लोग को टाइम पास करते हुए दिखेगा मार्केट ओवर गाइस यहाँ पे एक साइड अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो हाई का पहला टारगेट रहेगा ये रहेगा स्काल्प, ठीक है गाइस यहाँ पे।
और ब्रेकडाउन भी मिलता है तो प्रीवियस स्विंग का आप लोग को टारगेट मिलने वाला है अगर टाइम पास करता है तो। डायरेक्ट डायरेक्ट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या तो छोटा सा गैप ओपन होने के बाद यहाँ पे वेट करने पड़ेगा। अगर प्रीवियस डे का हाई निकालता है जो है यहाँ पे 44,200 को गाइज निकालता है तो आप लोग को एक अच्छा एक मूवमेंट मिल सकता है 200 पॉइंट्स का, 44,400 रेजिस्टेंस है ठीक है गाइज। यहाँ पे 200 पॉइंट की गैप फिलिंग हो सकती है अगर हाई निकालता है। हाई कैसा निकलेगा, फ्लैट ओपनिंग होगी गाइज यहाँ पे हाई के आसपास गाइज मार्केट टाइम पास करने लग जाए या तो ब्रेकआउट मिलने के बाद रिटेस्ट पे आप लोग को एंट्री मिल जाए। तो कॉल साइड के लिए ये सिंपल सा ट्रेड प्लान रहेगा 44,000 एंड 44,000 के 200 की यहाँ पे ये जो गाइज यहाँ पे एक गैप है यहाँ पे आप लोग को ट्रेड अवॉइड करना है। 200 पॉइंट के लिए आप लोग को यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, मल्टीपल आप लोग के स्टॉप लॉस हिट करवा सकता है। तो नो डाउट गाइज यहाँ पे अगर स्कैल्पर हो तो ठीक है, नो तो नहीं तो आप लोग को क्या करना है, आप बिगनर्स हो तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 44,000 एंड 44,200 के बीच में आप लोग को ट्रेड अवॉइड करना है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया गाइज और 44,000 के आस डायरेक्टली आप लोग को ब्रेक डाउन मिल रहा है तो वेट करना पड़ेगा। ये जो जोन है ऑलरेडी बायर्स का जोन है 43,900 को वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट अगर टाइम पास करके ब्रेक डाउन देता है तो आप लोग का पहला टारगेट प्रीवियस डे का लो रहेगा, सिंपल सी बात है। और प्रीवियस डे का लो पे आता है मार्केट तो यहाँ पे दो सीनारियो रहेगा, मार्केट यहाँ से एक बाइंग जनरेट कर सकता है डबल बॉटम के साथ या तो गाइज यहाँ पे ब्रेक डाउन मिलता है तो वेट करना गाइज यहाँ पे आप लोग को स्विंग का गाइज यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पे रिटेस्ट मिलता है तो ही एंट्री कर लेना, नहीं तो आप लोग गाइज यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हो। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे बॉटम पे आता है 43,800 पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे दो सीनारियो रहेगा। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा अपसाइड के लिए प्राइस एक्शन बनता है या तो डाउन साइड के लिए बनता है तो आप लोग को रिटेस्ट पे एंट्री करना है। होप यू गाइज आप लोग को अपसाइड और डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान मिल गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो गाइज यहाँ पे, नो डाउट कमेंट में बताओ। पर्सनल डाउट है तो व्हाट्सएप पे रीच आउट करो, व्हाट्सएप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। होप यू मेरा एनालिसिस अगर आप लोग अच्छा लगता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर द डेली एनालिसिस। मिलते हैं ऐसे एनालिसिस का, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।